वन वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल तो आज हम कवर करेंगे जे बी आक पेपर टू ड्रॉइंग सेक्शन के क्वेश्चन तो पहले तो हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जिसमें पहले और दूसरा टॉपिक है कॉपी ऑफ पोर्ट्रेट टू डी डिजाइन थ्री डी कंपोजिशन एन अदर टॉपिक सबसे पहले कवर करते हैं हम कॉपी ऑफ पोर्ट्रेट एंड कॉपी ऑफ इमेज तो द क्वेश्चन इज आपको गिवन इमेज रहेगी क्वेश्चन में आप सामने स्क्रीन पर छोटी सी उसको आपको आपकी ए फोर साइज कॉपी में बड़ा बनाना है तो पहला क्वेश्चन इज रिलेटेड टू पोर्ट्रेट एज इट इज पोर्ट्रेट आपको बनाना होगा एज इट इज इमेज आपको कॉपी करनी होगी अब यू कैन यूज़ डिफरेंट हैचिंग्स टेक्निक्स शेडिंग टेक्निक्स जैसे पोर्ट्रेट में नॉर्मल स्मजिंग से हमने पूरे पोर्ट्रेट को कंप्लीट करा, uh, करा है बट इन लाइव ड्राॅइंग हमने हैचिंग का यूज़ करा है बिकॉज क्वेश्चन में गिवन था कि आपको हैचिंग करनी है आप स्मजिंग भी कर सकते हो बहुत ईजीली नॉर्मल बेसिक शेडिंग करके आप विद दी हेल्प ऑफ फिंगर कॉपी कर सकते हो सबसे पहले आपको प्रपोर्शन देखना जरूरी है कि ए साइज पेपर पर आप प्रपोर्शन कितने अच्छे से फिक्स कर पा रहे हो सबसे पहले हेड स्पेस छोड़ना ज़रूरी है ये सिंपल क्वेश्चन है हम इसको सॉल्व करके देखते हैं पोर्ट्रेट का कुछ इसी ही साइज में आपको गिवन इमेज होगी सामने स्क्रीन पर अब हम देखते हैं कि इसको बड़ा कैसे बनाना है क्या आज क्या, क्या चीज़ों की नीड रहेगी हमें तो सबसे पहले ए फोर साइज पेपर लेंगे हम यहाँ मैंने एक बेसिक रफ स्केच पहले से ही ड्रॉ कर रखा है मैंने विद दी हेल्प ऑफ बेसिक डायगोनल लाइन्स वर्टिकल लाइन्स पूरे फेस के फीचर्स को डिवाइड करा देन मैंने विथ एक्स्ट्रा डिटेलिंग ये सारी चीज़ें वहाँ पर फिक्स करिए तो पहले तो हमें रफ ड्राइंग करनी है विदाउट एनी डार्क लाइन्स तो आपको ये वीडियो शायद देख के समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे प्रपोर्शन ले रही हूँ शेडिंग कैसे कर रही हूँ पहले तो सबसे मेन फोकस है हमारा फेस फिर हम अदर एलिमेंट को फिक्स करेंगे तो यहाँ पर भी मैंने मिक्स शेडिंग करी है कहीं कहीं पर मैंने हेचिंग करी है कहीं कहीं पर मैंने सॉफ्ट शेडिंग करी है तो इस तरीके से हमें ये पूरा स्केच कंप्लीट करना है जहां पर हमें डेप्थ क्रिएट करना है हम वहाँ शेडिंग करेंगे जहाँ जिस सेक्शन को हमें हाईलाइट रखना है वहां हम हाईलाइट वैसे की वैसे रहने देंगे या तो वी कैन ऑल्सो यूज इरेजर टू क्रिएट अ हाईलाइट लिप्स की आउटर लाइन करेंगे हम आईबॉल्स को डार्क बनाएंगे ये भी आपको देखना जरूरी है कि सामने इमेज में जो आई बॉल्स है वो क्या प्रॉपर ब्राउन कलर की है या ब्लैक कलर की या किसी लाइट कलर की उसी अकॉर्डिंग आपको कलर शेडिंग भी करनी होगी अगर लाइट कलर की आईज है तो आपको सारी टोनल वैल्यू लाइट अप्लाई करनी पड़ेगी इसी के साथ हम देखेंगे और ज़्यादा शेडिंग करेंगे इस पूरे स्केच में और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज शेयर इथ विथ योर फ्रेंड्स और, और जॉइन आर संडे वेबिनार फॉर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर गाइडेंस वेदर यू आर कन्फ्यूज अबाउट करियर पाथ और हैव बर्निंग क्वेश्चन रिलेटेड टू डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर फील्ड तो जॉइन आर संडे वेबिनार फॉर आंसर टू योर डाउट्स द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यू कैन ऑल्सो कॉल अस ऑन दी गिवन नंबर ऑन द स्क्रीन फिर आते हैं हमारे क्वेश्चन पर वापस या हम फेस के नीचे डेप्थ क्रिएट करने के लिए बेसिक हेचिंग अप्लाई कर रहे हैं फिर हम जो नेक बोन बनाएंगे थोड़े और हेयर्स बनाएंगे आपको ये ध्यान रखना है कि जो गिवन गीव, इमेज है वो एज इट इज वैसे ही दिखना चाहिए जैसे हमारी ड्राॅइंग है बेसिक चेंजेस हो सकते हैं बट आ, जो पोर्ट्रेट है उसका कैरेक्टर नहीं जाना चाहिए यहाँ पर आपको डिफरेंट uh, कलर का डिफरेंट डिफरेंट एरिया पर यूज़ करना अगर आपने एक कॉर्नर में ब्लू कलर का यूज़ करा है तो सेम एज इट इज़ ब्लू कलर आप सेकेंड कॉर्नर में यूज़ करो किसी भी कलर को बहुत ज़्यादा एरिया नहीं देना है हमें पूरे कलर को पूरी फ्रेम में बैलेंस आउट करते हुए चलना है कलर करना किस तरीके से तो यू हैव टू मूव योर हैंड इन सर्कुलर मोशन तो आपको कहीं भी लाइंस नहीं विजिबल होगी और डबल कोटिंग इज कम्पल्सरी डबल कोटिंग से सारी लाइन्स हाइड uh, हो जाती है और जो बेसिक कलर है सिर्फ वही दिखता है और प्योर कलर दिखता है तो हम इस तरीके से इस पूरे सीन को क्रिएट करेंगे अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप साइड में एक बार पहले कलर अप्लाई करके देख सकते हो कि वो कलर वाइट बेस पर कैसा दिखेगा इसके बाद हम आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पर जिसमें हमने मोटिव में लीफ uh, का यूज करा है डिफरेंट टाइप की लीफ का और अगेन विथ डिफरेंट कर्व लाइन्स अब यहाँ पर मैं कलर थ्योरी में आपको बताती हूँ मैंने थ्री कलर ऑफ सेट लिया है वाम कलर एंड थ्री कलर ऑफ सेट ऑफ़ कूल कलर्स यहाँ पर रेड और ऑरेंज और के सारे टोनल वैल्यू लिए हैं यहाँ पर ग्रीन के अब यह है थ्री डी कम्पोजिशन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थ्री डी कंपोजिशन इस टॉपिक में ये दो एग्जाम्पल आपके सामने इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं या तो डिफरेंट पॉट को कम्पोज करके उनकी शेडिंग करो या तो आप डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटल को कम्पोज करके उनकी बेसिक शेडिंग करो तो या तो उनका स्कल्पचर कंपोज करो तो हमें पहले तो बेसिक ऑब्जेक्ट बनाने होंगे डिफरेंट टाइप की पेंसिल्स का हम यूज़ करेंगे जैसे टू बी फोर बेसिक वर्क एंड सिक्स बी फोर डिटेल वर्क थोड़ी शार्प पेंसिल थोड़ी यूज्ड पेंसिल इनकी हेल्प से हम पूरी थ्री डी कम्पोजिशन बनाएंगे ये है हमारे पास एक एग्जाम्पल लाइट सोर्स को समझने के लिए यहाँ पर दो डिफरेंट चेयर थी और दो अपोजिट डायरेक्शन में लाइट सोर्स थे अगर लाइट सोर्स पीछे से आ रही होगी तो शेडो सामने बनेगी अगर लाइट सोर्स सामने से है तो शेडो पीछे की साइड बनेगी और यही सारा वर्क हम करेंगे इन और शेडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट जो सेक्शन डार्क होगा जो सेक्शन डेप्थ की साइड होगा वहाँ डार्क शेडिंग होगी ये अनादर एग्जाम्पल फॉर थोड़ी डिफ़िकल्ट चेयर कि किस हिसाब से हमने नीचे सरफेस पर शेडिंग करी है तो डिफरेंट डिफरेंट लाइन की शेडो भी बनेगी वो कुछ इस तरीके से दिखेगी सरफेस पर ये हम एक एग्जाम्पल देखते हैं स्टिल लाइफ का थ्री डी कम्पोजिशन को समझने के लिए स्टिल लाइफ इज़ वेरी कंपल्सरी यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल लिए हमने जैसे चीनी के दो मग एंड पॉट और पीछे जो एरिया है वो है पूरा कपड़े का ड्रेपरी का ये अगेन सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर बकेट है बॉटल है फ्रूट है नॉर्मल स्टील बॉटल है और दो डिफरेंट टाइप के फेब्रिक्स है तो अगर हमें कलर भी अप्लाई करना है तो उसी अकॉर्डिंग चीजें लगानी पड़ेगी जैसे बैकग्राउंड में डार्क कलर कलर है और जो बकेट के अंदर से फैब्रिक बाहर आ रहा है वहां पर लाइट कलर है या अगेन सेकेंड एग्जाम्पल अगर सरफेस अनइवन होगी तो नॉर्मल सिंगल ऑब्जेक्ट की शेडो भी अपना शेप चेंज कर लेगी और पूरे ऑब्जेक्ट को बनाना है विथ प्रॉपर पर्सपेक्टिव तो ये है हमारे थ्री डी कंपोजिशन स्टिल लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स अब हम वापस आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर सीन क्रिएशन एंड मेमोरी ड्रॉइंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर बोथ नाटा एंड जेई बी आर्क आपको क्वेश्चन गिवन होगा और आपको मेमोरी ड्राइंग की हेल्प से उस पूरे सीन को क्रिएट करना है अब यहाँ पर आपको पर्सपेक्टिव प्लस ह्यूमन फिगर दोनों यूज करना होगे क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ के पहले हम की फीचर्स निकाल लेंगे की पॉइंट्स निकाल लेंगे और फिर इस पूरे सीन को हमने कंपोज करा है इन वन पॉइंट पर्सपेक्टिव तो जो आपका व्यू पॉइंट है वो आपका वैनिशिंग पॉइंट है आपकी पोजीशन रूम में सिटिंग पोजीशन है तो होराइजन लाइन आपके साथ नीचे आएगी इसको एक टिपिकल डॉक्टर क्लिनिक का आ, लुक देने के लिए हमने जो भी मटेरियल है जो डॉक्टर के क्लिनिक में होते हैं वो बनाए हैं एक पेशेंट बनाया है वेटिंग करते हुए एक नर्स बनाई है क्वेश्चन में गिवन था कि आपके इस छोटे भाई को एग्जामिनर एग्जामिन कर रहा है तो वो कॉर्नर में बनाए इसी तरीके से सीन क्रिएशन का सेकंड एग्जांपल देखते हम ये आउटडोर सीन है यहाँ पर आउटडोर सीन में जो ह्यूमन फिगर आपसे दूर होंगे वो छोटे बनेंगे जो ह्यूमन फिगर आपके सबसे पास होगा वो बड़ा बनेगा थोड़ा तो इस तरीके से हमने ये पूरा सीन क्रिएट करा है और यही उसका वापस आ जाते हैं हम क्लिनिक वाले क्वेश्चन पर वन पॉइंट परस की हेल्प से ही हमने पूरा क्लिनिक बनाया है अब चलो ड्रॉ करके देखते हैं सबसे पहले आपको होराइजोन लाइन वनिशिंग पॉइंट बना के जीरो डेविटिंग सरफेस बनानी होगी जो कि आइडियली टेन फिट की होती है फिर हम रूम में डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल सेट करेंगे लाइक डोर विंडो चेयर्स कर्टन और इस तरीके से बड़े बड़े एलिमेंट्स बनाएंगे जो अभी अबो आए लेवल है जो रूम में हम मूव नहीं कर सकते फिर इसके बाद धीरे धीरे हम मटे चीज़ों में डिटेलिंग करना स्टार्ट करेंगे जिस भी चीज़ का आपको प्रपोर्शन बनाना है इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव पहले आपको वो फ्रंट वॉल पर जीरो डेविटिंग सरफेस पर टू बनाना होगा एंड देन विद द हेल्प ऑफ vanishing पॉइंट यू कैन क्रिएट इट into टू प्रॉपर परस्पेक्टिव थ्री ये पूरा सीन बन रहा है वन पॉइंट परस्पेक्टिव में जो एलिमेंट आपके सबसे पास होंगे वो सबसे बड़े दिखेंगे जो एलिमेंट आपके पीछे होंगे वो छोटे दिखेंगे रूम में सबसे पहले ह्यूमन फिगर नहीं बनाएंगे ह्यूमन फिगर की बस हाइट का हम प्रोपोर्शन ले लेंगे एज ए स्टिक फिगर ठीक है फिर आ, डिटेलिंग करते जाएंगे और आ, एक एक छोटे छोटे एलिमेंट्स को कम्प्लीट करते जाएंगे अब हम चाहे तो इस सीन में दो ह्यूमन फिगर भी बैठा सकते हैं और वो दो ह्यूमन फिगर आपके सबसे पास होंगे तो वो एज़ कम्पेयर टू पीछे जो स्टैंडिंग पोजिशन में नर्स है उससे बड़े दिखेंगे इसके बाद जो सबसे छोटा सेक्शन बनेगा बेड पे आपका ब्रदर दिखेगा और उसी के जस्ट पास आपको डॉक्टर दिखेगा डॉक्टर की डेस्क एम होगी बिकॉज डॉक्टर अंदर एग्जामिनर कर रहा है आपके भाई को डॉक्टर की टेबल पर जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट हम बनाएंगे डिफरेंट मटीरियल क्रिएट करेंगे जैसे ग्लास ग्लास जैसा दिखना चाहिए वुड वुड जैसा दिखना चाहिए एंड अदर थिंग ये कुछ इस तरीके से ये पूरा सीन कम्प्लीट हो जाएगा आपको आपके थाईज और नीज दिखेंगे क्योंकि ये आप, आपकी पोजिशन से ड्रॉ कर रहे हो पूरा सीन अब यहाँ पर हमारे पास कुछ सिंपल क्वेश्चन है फॉर योर प्रैक्टिस तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए और कंप्लीट करिए थैंक यू सो मच एवरी वन इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल डोंट फकेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन सो यू कैन नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम आवर चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो